देवरिया में एक सपा प्रत्याशी साइकिल तो दूसरा रिक्शा पर हुआ सवार, जाने क्या है माजरा। वहीं समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष व्यास यादव ने साफ कर दिया है कि चुनाव आयोग द्वारा जिस व्यक्ति को चुनाव चिन्ह साइकिल अलॉट किया गया है, वही नगर पंचायत गौरी बाजार का समाजवादी पार्टी का असली कैंडिडेट है। समाजवादी पार्टी के सिंबल पर लड़ रहे ईश्वर चंद जायसवाल ने बताया कि नीलेश जायसवाल पार्टी की छवि को धूमिल कर रहे और जिस पत्र का वह हवाला दे रहे हैं वह फर्जी है, असली प्रत्याशी ईश्वर चंद जायसवाल ही है, हालांकि यह सब राजनीति के रंग ही हैं। देवरिया जिले में समाजवादी पार्टी का चुनाव चिन्ह रिक्शा हो गया है, यह हम नहीं कह रहे हैं, यह तस्वीरें बयां कर रही हैं। मामला गौरी बाजार नगर पंचायत का है, जहां निवर्तमान नगर पंचायत अध्यक्ष नीलेश जायसवाल का टिकट कट जाने से उन्होंने बगावती सुर अपना लिया है और बाकायदा समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का पोस्टर लगाकर प्रचार प्रसार कर रहे हैं, लेकिन उनका सिंबल रिक्शा है। वहीं समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष व्यास यादव ने साफ कर दिया है कि चुनाव आयोग द्वारा जिस व्यक्ति को चुनाव चिन्ह साइकिल अलॉट किया गया है, वही नगर पंचायत गौरी बाजार का समाजवादी पार्टी का असली कैंडिडेट है। समाजवादी पार्टी के सिंबल पर लड़ रहे ईश्वर चंद जायसवाल ने बताया कि नीलेश जायसवाल पार्टी की छवि को धूमिल कर रहे हैं और जिस पत्र का वह हवाला दे रहे हैं वह फर्जी है, असली प्रत्याशी ईश्वर चंद जायसवाल ही है, हालांकि यह सब राजनीति के रंग ही है। बताया जाता है कि समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष व्यास यादव ने गौरी बाजार नगर पंचायत से ईश्वर चंद जायसवाल को साइकिल चुनाव चिन्ह दिया और उन्होंने बाकायदा नामांकन भी कर दिया, लेकिन जब यह बात निवर्तमान नगर पंचायत अध्यक्ष नीलेश जायसवाल, जिन्होंने सपा के चुनाव चिन्ह पर चुनाव जीते थे, उनको पता चली तो उन्होंने एक कैंसिलेशन पत्र दिखाया जो समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष का है, जिसमें यह साफ तौर पर लिखा गया है कि ईश्वर चंद जायसवाल का टिकट काट नीलेश जायसवाल को दिया जाए, लेकिन एन वक्त पर यह सर्टिफिकेट नामांकन के दौरान नहीं जमा हो पाया, जिससे समाजवादी पार्टी में ऊहापोह की स्थिति बनी हुई है।